हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो रीजनिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के वीडियो डाल चुके हैं। 100 से अधिक वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में आके आप जाके देख सकते हैं। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, पहला वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं एनालॉजी टेस्ट से। तो ये दोस्तों एनालॉजी टेस्ट ये है कि इसमें जो 13 टॉपिक हैं अपने जो आर आई सी ई के जो टेस्ट होने वाले उसमें 13 टॉपिक हैं रीजनिंग से संबंधित। उसमें 13 टॉपिक में से जो 7वां टॉपिक है वो एनालॉजी, आज मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 7वां इससे शुरू करेंगे। एनालॉजी है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट 3 वर्ड्स फॉलोड बाई 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन। देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द 2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द 3rd ऑब्जेक्ट एंड 1 ऑफ द आंसर्स। द कैंडिडेट हैज टू फाइंड द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन आंसर्स। कहने का मतलब है कि जो दो शब्द दिए गए हैं उनका जो संबंध है वही संबंध अगले शब्द का दूसरे शब्द से। देखिए, पहले उदाहरण देख लीजिए, इलस्ट्रेशन है। मैन इज टू वॉक, आदमी चलता है। एज फिश इज टू, तो मछली क्या करती है। इसमें से इन 4 में से संबंध निकालना है मछली का, स्विम, ईट, लिव एंड रन। तो हमें क्या करना है कि आदमी चलता है तो मछली भी चलेगी। कैसे चलेगी, पर वो तैरेगी, क्यों, मछली के पांव नहीं है कि वो चलेगी, तो वो मछली तैरेगी। तो जैसे मैन आदमी गति कर रहा है वैसे ही मछली भी गति करेगी। तो आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, इन ऑर्डर टू कवर ए डिस्टेंस मैन हैज़ टू वॉक, दूरी तय करने के लिए आदमी चलता है। इन द सेम वे, इन ऑर्डर टू कवर ए डिस्टेंस ए फिश हैज़ टू स्विम, ऐसे ही दूरी तय करने के लिए मछली तैरेगी। हैंस द करेक्ट आंसर इज ए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है तो सबसे पहले जो डायरेक्शंस देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन ऑफ द आंसर विल फिल द ब्लैंक स्पेस सो दैट द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स मे बी द सेम एज दैट बिटवीन 3rd एंड 4th। तो जो दो जो दी जो चीज़ें दी गई हैं उनमें वो संबंध है, ऐसा ही संबंध तीसरी चीज़ का इनमें से 4 ऑप्शन में से दी गई है, 4 विकल्प दिए गए उनमें से। जैसे पहला क्वेश्चन है द ट्रेन एंड बोगीज, तो ट्रेन का बोगी से जो संबंध है वैसा फॉरेस्ट का किससे। तो नीचे जो ऑप्शन है एनिमल, ट्री, फ्रूट और गार्डन। तो आप इसका आंसर आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से बोगी से ट्रेन बनती है, ठीक है, वैसे ही ट्री से फॉरेस्ट बनता है। जैसे ट्रेन में कई सारी बोगी होती हैं, ऐसे ही जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ऐसे इसका आंसर बनेगा। इफ फ्रॉम द 4th आंसर फिगर, सॉरी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा बी, एज देर आर मैनी बोगीज इन ए ट्रेन। जिस प्रकार ट्रेन में बहुत सारी बोगीज होती हैं, डब्बे होते हैं, इन द सेम वे देर आर मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ऐसे ही एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कारपेंटर का संबंध वुड लकड़ी से उसी तरीके का है जैसा टेलर का किसके साथ। बड़ा सरल क्वेश्चन है कि बढ़ई है वो लकड़ी का काम करता है और टेलर है वो क्या काम करता है, तो टेलर का काम कपड़े से, क्लॉथ। तो आंसर आएगा ए, एज ए कारपेंटर मेक्स आर्टिकल्स फ्रॉम वुड इन द सेम वे ए टेलर मेक्स गारमेंट्स फ्रॉम क्लॉथ। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड का संबंध मदर से, ऐसे ही मार्स का संबंध इनमें से किस से है, अर्थ, डॉटर, सिस्टर, सन। यानी जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसका संबंध पृथ्वी से है, पुत्री से है, बहन है या सूर्य है। तो इसका आंसर आप देखिए किससे आएगा, इसका आंसर आएगा डी, एज ए चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम मदर, जैसे बच्चा अपनी माँ के जन्म लेता है। इन द सेम वे मार्क्स वाज बॉर्न फ्रॉम द सन,
ऐसे ही जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से जन्मा है या सूर्य से अलग होके बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लाइट हैवी, ये विलोम शब्द है, हल्का और भारी। तो ऐसे ही ग्लेड का क्या होगा? अब इनमें देखिए, चेयरफुल, जॉय, ग्लोमी, एंगर। तो एज हैवी इज अपोजिट टू लाइट, इन द सेम वे ग्लोमी इज अपोजिट टू ग्लेड। तो आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। ड्रामा डायरेक्टर टीम, तो जिस प्रकार ड्रामा को डायरेक्ट करने वाला कौन होता है? डायरेक्टर होता है। तो टीम को मोटिवेट करने वाला कौन होता है? कैप्टन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा बी। एज ए ड्रामा इज डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर, इन द सेम वे टीम इज डायरेक्टेड बाय द कैप्टन। ठीक है, जिस प्रकार से एक ड्रामा को, नाटक को डायरेक्टर निर्देशित करता है, ऐसे ही एक कैप्टन है वो अपनी टीम को गाइड कर देता है, निर्देशित करता है, मार्गदर्शन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फायर हॉट, आग गर्म होती है, आइस तो कोल्ड, वाटर स्नो, फर्नेस। तो इसमें आंसर आप मैं समझता हूँ आप सीधा आंसर आएगा ए, कोल्ड। एज फायर इज हॉट, इन द सेम वे आइस इज कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोसेशन का संबंध रूट, ठीक है, ऐसे ही अर्थ का संबंध किससे, पृथ्वी का संबंध किससे? एज प्रोसेशन मूव्स ऑन इट्स रूट, इन द सेम वे द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो 7th में वो प्रोसेशन का एक वो पाथ अर्थ है, जैसे जिस प्रकार से जुलूस चलता है उसका कोई रूट होता है, उसी तरह पृथ्वी का भी एक रूट है। क्या है वो? उसकी ऑर्बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एज फ्लावर बुके की, ऐसे ही जैसे फ्लावर का बुके से, गुलदस्ते से संबंध है, वैसे ही प्लेयर का किससे संबंध है? जैसे कई फ्लावर मिलके गुलदस्ता बनता है, ऐसे कई प्लेयर मिलके क्या बनेंगे? तो आंसर आएगा दोस्तों इसमें टीम। एज ए बकेट बुकेट इज कंपोज ऑफ सेवरल फ्लावर्स, इन द सेम वे ए टीम इज मेड ऑफ सेवरल प्लेयर्स। अगला चलते हैं, सैपलिंग का संबंध किससे? ट्री से। ऐसे गर्ल का संबंध किससे जोड़ा जाए इनमें से? वुमेन, विमेन, मदर, वाइफ, फ्रेंड्स। तो दोस्तों एज सैपलिंग ग्रोज एज ए ट्री, जैसे पौधा पेड़ बनता है, इन द सेम वे ए गर्ल आफ्टर ग्रोन अप बिकम ए वुमन, ऐसे ही एक लड़की बड़ी होके औरत बनती है। तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन 10। माउंटेन वैली, चोटियां हैं, ऐसे घाटी, तो लाइट, ऐसे ही लाइट का संबंध किससे बनेगा? तो दोस्तों इसका आप अर्थ देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सी, डार्कनेस। क्यों? कि एज वैली इज अपोजिट टू माउंटेन, इन द सेम वे डार्कनेस इज द अपोजिट ऑफ लाइट। जैसे पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वो एक तरीके से उसका अपोजिट आएगा घाटी। तो ऐसे ही जो लाइट है, प्रकाश है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? अंधेरा, डार्कनेस। चलिए आगे, चाइल्ड, 11th क्वेश्चन है, चाइल्ड का संबंध मदर से, वैसे तो लैम का संबंध किस से? मिल्क, शीप, रेट, हैन। तो देखिए कि चाइल्ड है उसकी मॉम है, मम्मी, माँ का बच्चा है, ऐसे लैम माने मेमना होता है। तो मेमना किसके जन्म लेता है इसमें देखिए, तो ये आएगा शीप, भेड़ के जन्म लेता है। तो एज तो आंसर आएगा बी, एज द मदर इज द मदर इज फॉर द चाइल्ड, सो द शीप इज फॉर द लैम। 12th क्वेश्चन नंबर 12। मैन प्रिजन, ऐसे ही एनिमल का संबंध किस से है? जैसे मैन को, किसी आदमी को कारागार में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, ऐसे ही जो पशु है उसका संबंध किस से है? तो पशु का संबंध भी ऐसे कारागार, उसके अगर जेल में डाल देंगे अपन, उसको पिंजरे में डाल देंगे तो उसके लिए तो वही हो जाए ना। तो ये आंसर आएगा इसका डी। तो डी,
तो एज द एज मैन इज केप्ट इन प्रिजन फॉर पनिशमेंट सो एन एनिमल इज केप्ट इन कैज. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 13 पोएट वर्स. ऐसे वुमेन का संबंध किससे है कि जैसे कोई कवि है उसका संबंध जैसे गद्यांश से है या कविता से है कवितांश से है तो एक औरत का संबंध इसमें से किसका है. तो देखिए नीचे ऑर्नामेंट है हस्बैंड है सन है गारमेंट है. तो जैसे कवि है वो कोई कविता बनाता है ऐसी कविता को जन्म देता है ऐसे एक औरत किसको जन्म देती है. तो जाहिर है कि इनमें से और कोई नहीं आ रहा है इसमें. तो इसमें जन्म देने वाला किसको सन को जन्म देती है बेटे को जन्म देती है या डॉटर भी हो सकती थी. ठीक है ना. आगे चलिए 14 क्वेश्चन है बिगिनिंग एंड कि शुरुआत का समाप्ति और हेड का विलोम शब्द. यहाँ देख रहे हैं अब ये शुरुआत बिगिनिंग हो गया एंड हो गया अपोजिट है. तो ये हेड का अपोजिट हमको ढूंढना है. तो हैंड ईयर नोज तो हम देखेंगे हेड टॉप पे है तो नीचे क्या है फीट. ठीक है तो आंसर आएगा डी. तो द बिगिनिंग इज